हूँ। और कहते हैं ना, पैसे का बहुत महत्व होता है। अगर गरीबों गरीब के पास पैसा होगा, बल्कि तो गरीब के पास पैसा नहीं होता है, कुछ लोगों के पास इतना अपराध पैसा होता है, इतना अपराध पैसा होता है ना कि वो लुटाते हैं, किटी पार्टी में, होटलों में अयासी करते हैं, और गरीब बेचारा मरता है। हम अस्पताल से बाहर इसलिए आ गए क्योंकि दोस्तों एक गरीब का पूरा परिवार वहाँ बैठा हुआ है, और गरीब जो है वो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। और जानते हैं ना, प्राइवेट अस्पताल के पैसे कितने ज़्यादा होते हैं ना। मैंने देखा वो अपने जेब से एक एक रुपए निकाल के दे रहे थे, क्योंकि उनको 24 घंटे का बिल पे करना था, रहने का बिल पे करना था, जहाँ हम रुके हुए हैं एक बिल पे करना था। और वो बेचारे कैसे रो रहे थे, वो बूढ़ी अम्मा कितना रो रही थी। अब वेंटिलेटर से जैसे ही निकाला जाएगा, क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसा ही नहीं है कि वो खर्च कर पाएँ, 1.5 लाख रुपए लगना है, उनके पास पैसा ही नहीं है अभी कि वो करें खर्चा। और उनकी कंडीशन ऐसी है ना कि वेंटिलेटर से हटाएंगे और तुरंत उनकी मौत हो जाएगी। ऐसी कंडीशन देख के मुझे घबराहट सी हो रही है। आकाश आज मेरे पास पैसा होता, मैं दूसरों की मदद करती। भगवान मुझे इतना पैसा दे कि मैं गरीबों की मदद कर पाऊँ। सुनीता बोली भी कि हम दे देते हैं 500 रुपये। मैं देने वाली थी कि चलो कुछ नहीं, 500 का कहीं मदद कर दे। अभी हम लोगों को खुद 50,000 कल चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है। हमने आपसे मदद मांगी थी, लेकिन मदद में भी मेरे को केवल 3 लोग ने मदद किया है, मेरे 3 सब्सक्राइबर ने मदद किया है, और हमको अभी कल 50,000 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है कि हम क्या करें। देखते हैं क्या करना है। लेकिन हाँ, अपने सामने मैंने इतनी बड़ी जो है गरीबी देखी है, और यहाँ पे लोग परेशान हैं, और ना चाहते हुए कह रहे ना वो मौत बुलाई जा रही है। हाँ, क्योंकि वो मतलब कहते हैं ना, पैसे का महत्व बहुत ज़्यादा होता है एक गरीब के लिए। क्या बोले हम, मुझे तो मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ उनके लिए। बस मैं दुआ कर सकती हूँ कि भगवान करे, क्योंकि हमारे पास हम तो खुद आप लोगों से मांग रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप लोग ने दिया, जितने लोग ने दिया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का दिल से शुक्रिया आप लोग ने दिया दोस्तों। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगी बैक कैमरे से वो परिवार को जो वहाँ खड़ा है। आज मैंने पैसे के महत्व को देख लिया है। पैसा नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ये बात है। पैसा नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ये बात है। वो देखिए, उनका पूरा परिवार वहाँ पर खड़ा है, वो पूरा परिवार उनका खड़ा है। पैसे नहीं है उनके पास, और गाड़ी के लिए 8,000 देना है, गाड़ी के लिए पैसे नहीं है। 8,000 गाड़ी वाले मांग रहे हैं कि वेंटिलेटर पर जाएंगे, लेकिन उनके पास वो भी पैसा नहीं है तो वो दे सकें। और जैसे ही वेंटिलेटर से हटेंगे, मरीज़ दम तोड़ देगा। मैं घबराने लगी थी क्योंकि मैं दिल की थोड़ी सी कमज़ोर हूँ, घबराने लगी थी। तो मेरी बहन बोली कि आप आ जाओ। तो मैं अमीरों लोगों से जो अमीर लोग हैं वो मुझसे प्रार्थना करती, प्लीज़ आप लोग पास अगर अपराध पैसे हैं तो गरीबों की मदद कीजिए जो ज़रूरतमंद हैं, गरीबों की मदद कीजिए। उनका पूरा परिवार यहाँ पर खड़ा हुआ है, देख रहे हैं उनका पूरा परिवार ऐसे खड़े हुए हैं, और कैसे वो कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। सुपर कर तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा वीडियो बनाना कैसे वो तो बता रहा था लड़की जो कंडीशन खराब है उनकी, ये होता है बेटा पैसे कमाते हैं।
मत रोइए, मत रोइए, देखिए नहीं समझिए कि उनकी जिंदगी इतनी ही थी। आप मत रोइए, मत रोइए आंटी, मत रोइए प्लीज। देखिए बेचारी जो जिनके पति हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं हमसे, इतना रोना सा आ रहा है ना, क्या करूं। ये देखिए जीप में लाद के लेके जा रहे हैं। आज पैसे ना होने के चक्कर में आज हॉस्पिटल वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के तो आप जानते ही कितना चार्जेस होते हैं। देखिए बेचारे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से नहीं कर पा रहे हो, कंडीशन ख़राब है। चलिए सोचेंगे उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी। इस तरह की वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं जो अमीर लोग हैं, प्लीज़ आप लोग गरीबों की मदद करें, गरीबों की मदद करें। बोल रही हूँ आप लोगों से, गरीबों की मदद करें। आप लोग जुए खेलते हैं, आप लोग क्लब में जाते हैं, आप लोग जुए शराब में पैसे उड़ाते हैं, आप किसी का भला तो करें, किसी का भला करें। देखिए नहीं लग रहा है, इससे वीडियो बनानी नहीं चाहिए, लेकिन अब हमको अपने लिए चिंता होने लगी, हमारे अपने भविष्य के लिए चिंता होने लगी कि आज हमारे पास अगर पैसे नहीं होंगे तो हमारी भी दशा ऐसी कुछ होगी। क्योंकि हमने देखी है ये, अब पैसे नहीं होने की वजह से तो आप लोगों से हमने हेल्प मांगी थी, लेकिन हाँ अभी भी इंसानियत है, हमें हेल्प मिली है। बहुत से अच्छे लोग हैं, मुझे हेल्प मिली है, 3 लोगों से मुझे हेल्प मिली, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए जा रहे हैं,